नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी पीएफ का पासवर्ड भूल गए हैं और आपको नया पासवर्ड जनरेट करना है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि ऑनलाइन जाकर आप पीएफ का नया पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर दोस्तों हम ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है, अगर दोस्तों आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप वहां पर भी डायरेक्टली जाकर ईपीएफओ का वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पर देखें, फॉर एम्प्लॉयज़ का जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें ईपीएफओ लॉगिन करने के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहां पर देखें मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन करने के लिए दोस्तों इसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें लॉगिन करने के लिए यूएन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हमारे पास यूएन नंबर होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर हमारा जो यूएन नंबर है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और नीचे कैप्चा भी फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर यूएन नंबर और कैप्चा फिल कर दिया है, अभी सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमसे नाम पूछा जा रहा है, तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी नाम हमारा है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी नीचे फिल कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, नाम और डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें दोबारा से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे देखिए हमसे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो हमारा आधार नंबर भी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर अपनी सहमति देना होता है, तो उसे हम टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद फिर से हम वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डिटेल्स हमने फिल किया वो सब बराबर है या नहीं वो वेरीफाई हो जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है डिटेल्स वैलिडेटेड, मतलब कि दोस्तों हमने जो भी डिटेल्स फिल किया वो बराबर है। अभी दोस्तों हमें आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए हमें यहाँ पर आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो फिल करना होता है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें हमारा कंसेंट देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी आ जाता है, तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम पहले कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आधार ओटीपी को फिल कर लेते हैं। आधार ओटीपी को फिल करने के बाद दोस्तों आगे देखिए वेरीफाई बटन दिख रहा है, अगर आपको दोस्तों ओटीपी नहीं आया तो आप रिसेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ओटीपी आ चुका है, तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर लेते हैं और ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर कैप्चा गलत अपडेट किया था जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए एरर आया था, तो हमने यहाँ पर दोबारा से कैप्चा प्रॉपर फिल कर लिया। अभी ओटीपी फिल कर लेते हैं और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर आ रहा है, मतलब कि दोस्तों हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। अभी नीचे की तरफ देखिए दोस्तों हमें न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर चलते दोस्तों हमारा न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम न्यू पासवर्ड हमारा जैसे यहाँ पर फिल करते हैं तो दोबारा से नीचे कंफर्म पासवर्ड करने के लिए बोलता है, मतलब कि दोस्तों हमारा पासवर्ड बराबर है या नहीं उसके लिए हमें यहाँ पर दोबारा से सेम पासवर्ड फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लिया है, तो अभी सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो अभी देखो हमारे सामने कुछ एरर लिखकर आ रहा है, दोस्तों न्यू पासवर्ड शुड नॉट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड, मतलब कि दोस्तों हमने यहाँ पर पुराना हमारा जो पासवर्ड था उसे हमने यहाँ पर वहीं रखने की कोशिश किया था, तो यहाँ पर ये एरर लिखकर आया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पुराना पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से रखना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पर चेंज करना होता है, तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज करके दोबारा से सबमिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर प्रॉपर पासवर्ड फिल कर लिया है, तो अभी चलते हैं दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली लिखकर आ गया है, मतलब कि दोस्तों हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है तो आप दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारा
पासवर्ड चेंज हो गया है तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर यूएन नंबर फिल कर लिए और नीचे हमारा जो पासवर्ड हमने अभी नया जनरेट किया उसे हम फिल कर लेते हैं और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पोर्टल प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आपको अगर आपका पासवर्ड नहीं पता है तो रिकवर कैसे करना है या फॉरगेट कैसे करना है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।